नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। क्रिकेट के मैदान पर अक्सर हम लोगों ने उड़ते हुए जॉन्टी रोड्स को ही देखा है। क्या गजब की फील्डिंग किया करते थे सर जॉन्टी रोड्स, और वो तो जीता जागता उदाहरण सभी फील्डरों के लिए है। पर मैं आपको बताऊं कि आईपीएल में आज कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला, जब जॉन्टी रोड्स की तरह एक खिलाड़ी ने उड़ते हुए कैच लपकने की कोशिश की। दरअसल सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला खेला जा रहा था। संदीप शर्मा ने दूर छलांग लगाते हुए एक कैच लपकने की कोशिश की। अगर ये कैच हो जाता तो शायद आईपीएल इतिहास का सबसे बेस्ट कैच माना जाता। आमतौर पर फॉलो थ्रू में कैच लपकना किसी भी गेंदबाज के लिए आसान नहीं होता है, पर संदीप शर्मा ने जबरदस्त छलांग लगाई और कैच लपकने की कोशिश भी की। बात 18वें ओवर की चौथी गेंद की है। संदीप शर्मा ने धोनी को एक बैक ऑफ लेंथ गेंद फेंकी थी, जिसकी ऊंचाई को भांपने में धोनी से गलती हो गई, लिहाजा उन्होंने सीधे हाथों से बल्ला चला दिया। डिफेंस करना चाहते थे और शॉट्स भी लगाना चाहते थे, इसी कन्फ्यूजन में धोनी से कैच उड़ गया। शॉट पर कोई फील्डर था ही नहीं, तो संदीप शर्मा ने फॉलो थ्रू में धोनी का ये कैच लपकने के लिए बाईं तरफ छलांग लगा दी। गेंद हाथ में आई जरूर, पर सही से पकड़ नहीं पाए संदीप शर्मा। तो इस तरह से एमएस धोनी को एक बड़ा जीवनदान मिल गया और इतिहास का सबसे बेस्ट कैच बनते बनते भी रह गया। आपको बता दें, आईपीएल के 13वें सीजन के 29वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना हैदराबाद के साथ हो रहा है। इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला एमएस धोनी ने लिया। पहली पारी में चेन्नई की टीम ने 20 ओवरों में 6 विकेट गंवाकर 167 रन बनाए और हैदराबाद को जीत के लिए 168 रनों का टारगेट दिया। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।